टेक्स 15 डेज मोर टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश ए वर्क मीन्स, तो देखिए ए और बी, अगर हम मान लेते हैं सपोज बी एक्स दिन में काम करता है तो ए कितना दिन में काम करेगा, 15 डेज मोर बी के कंपेयर में, तो एक्स प्लस 15 ये ए के द्वारा काम किया जाएगा और बी के द्वारा एक्स दिन में काम किया जाएगा। ए बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। अब ए और बी दोनों मिलके काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 डेज में फिनिश कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है कि ए एलोन कितने दिन में इस काम को फिनिश करेंगे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज अगर हम आपसे कहते हैं कि आप किसी काम को 10 दिन में फिनिश करते हो, ठीक है, 10 डेज में, फिर हम आपसे पूछेंगे कि अच्छे बताओ कि आप एक दिन में कितने काम कर रहे हो, एक दिन में कितना काम कर रहे हो, तो आप कैसे बताइएगा। तो देखिए आप अगर 10 दिन में कर रहे हैं तो पहला दिन एक किए, फिर दूसरा दिन एक किए, तीसरा दिन एक, चौथा दिन एक, पाँचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा, तो ये टोटल ये कितना हो गया, 10 हो गया। मीन्स तो आप हर दिन एक एक काम किए, एक 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 करते करते आपको 10 दिन लग गया, तो यहाँ टोटल 10 डेज में ये काम फिनिश हो गया। तो एक दिन में आपसे पूछा जाएगा था कितना आप किए, तो एक दिन में आप तो एक ही कर रहे हैं, एक कर रहे हैं, टोटल काम कितना है, 10, तो एक दिन में 1/10 आप कर रहे हैं। मीन्स तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 10 डेज में आप अगर काम कर रहे हैं तो एक दिन में आप कितना कीजिएगा, आप इसे सीधे रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/10 आप काम एक दिन में करेंगे। तो इसी कंसेप्ट का हम यूज करके ये हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए देखिए ए बी टोटल ए को x प्लस 15 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेगा, आप इसको उल्टा कर दीजिए, रेसिप्रोकल कीजिए, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x+15। इसी तरह बी एक दिन में कितना करेगा, टोटल ये x लग रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x। इसी तरह ए और बी दोनों मिलके 10 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, ए प्लस बी मिलके एक दिन में कितना करेंगे, 1/10। तो ये क्या हो गया, एक एक दिन का आ गया, वन डे का हो गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं ए और बी जो एक दिन मिलके कर रहे हैं इंडिविजुअल, दोनों को हम ऐड कर दें और इसको हम फिर इक्वल टू कर दें कि दोनों मिलके जो एक दिन में कर रहे हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जो अलग अलग कर रहे थे एक दिन में, दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, ऐड किया तो जो आया डेटा वो कितने के बराबर हो गया, जो दोनों मिलके एक दिन में कर रहे हैं उसके वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ एक्स का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा, 2 वैल्यू निकल के एक आ जाएगा, प्लस 15 आएगा और दूसरा क्या आएगा, -10। तो आपको माइनस वाले वैल्यू को रिजेक्ट कर देना है और पॉजिटिव वैल्यू को लेना है, तो एक्स का यहाँ से 15 वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ए के द्वारा कितने दिन में फिनिश किया जाएगा, ए का क्या कितना था, एक्स प्लस 15, तो आप एक्स का जब 15 पुट कीजिएगा तो टोटल कितना आ जाएगा, 30 डेज में ए के द्वारा यहाँ काम को फिनिश किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इफ 10 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर मिक्सचर इन रेशियो 3:2 इज मिक्स विद द 10 लीटर ऑफ अनदर मिल्क एंड वाटर मिक्सचर इन 4:1, कोई एक पहला है एक दूसरा है, दोनों में क्या है, 10 लीटर यहां भी है और यहां भी 10 लीटर है, दोनों को मिक्स करना है, ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को मिक्स करना है। तो मिक्स करने के बाद यहाँ आपको मिक्सचर में वाटर कितना ये बताना है। तो पहले में मिल्क एंड वाटर का क्या रेशियो है, 3:2, तो आप 10 लीटर को 3 और 2 के रेशियो में ब्रेक कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 6, और ये कितना हो जाएगा, 4, मतलब 6 क्या है, मिल्क है, 4 क्या, वाटर है। इसी तरह जो सेकेंड मिक्सचर है उसमें क्या है, ये रेशियो 4:1, और अब ये 10 लीटर को आप 4:1 में आप ब्रेक कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये दोनों का आप ऐड कीजिएगा तो यहाँ 14 आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। मीन्स तो यहाँ ये क्या है, वाटर है, ये वाटर रिजल्टिंग मिक्सचर में कितना है, 6 लीटर, यहाँ से इसका आंसर निकल के आ गया।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए द स्पीड ऑफ बोट, कोई स्पीड ऑफ बोट बी मान लेते हैं, कितना है 60 मीटर पर आवर। इफ द बोट कैन ट्रेवल 15 मीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज इट कैन ट्रेवल 10 मीटर इन अप स्ट्रीम, मीन्स तो देखिए टाइम जो टेकन बाई डाउन स्ट्रीम है, टाइम टेकन बाई अप स्ट्रीम दोनों क्या होगा, बराबर होगा, बट कंडीशन क्या है ना कि इसमें ये 15 मीटर डाउन स्ट्रीम 15 मीटर जा रहा है और अप स्ट्रीम में ये 10 मीटर जा रहा है, बस कंडीशन है ये, बाकी टाइम दोनों का बराबर लग रहा है, एक में ज़्यादा एक में कम है लेकिन टाइम क्या है बराबर है। तो देखिए टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये डाउन स्ट्रीम में कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल किया 15, और स्पीड क्या होता है डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट दोनों का आपको स्पीड को आपको ऐड करना होता है। तो जहाँ आपको स्पीड ऑफ बोट बी आपको यहाँ 60 यहाँ दिया गया है, तो 60 प्लस c, इसी तरह आप अप स्ट्रीम में निकालेंगे तो अप स्ट्रीम में कितना है 10 है, और अप स्ट्रीम में क्या करते हैं स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ बोट यहाँ 60 है और माइनस करंट, तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ से आपका सी का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 12 मीटर पर आवर, जो स्पीड ऑफ करंट निकल के आ जाएगा, ये इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए रोहित स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 72,000 इन्वेस्ट किया। तो आपको इसको स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम वो कितने दिन के लिए, कितने साल, कितने महीने, कुछ भी हो जो उसका टाइम पीरियड हो क्या होता है उसका, हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ वो क्या किसके बराबर हो जाता है, प्रॉफिट के बराबर हो जाता है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड इक्वल टू क्या हो जाता है प्रॉफिट। तो यहाँ रोहित का इन्वेस्टमेंट कितना है 72,000। फिर आगे आफ्टर 4 मंथ मतलब 4 महीने बाद राज ज्वाइन हिम, उसे राज भी उसमें ज्वाइन कर लेता है विथ सम इन्वेस्टमेंट, मतलब कुछ रुपए से राज भी इन्वेस्टमेंट कर लेता है, लेकिन मेरे राज का यहाँ गिवन नहीं है तो हमको राज को इन्वेस्टमेंट क्या मान लेंगे एक्स। फिर एट द एंड ऑफ ईयर मतलब एक साल के अंत में, मीन्स तो देखिए ये इसका इन्वेस्टमेंट था दोनों का, अब इसका टाइम कितना था ये 12 हो गया, 12 महीने तक ये काम इसमें इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन राज कितना था 8 महीना, 8 महीना कैसे होगा क्योंकि ये 4 महीने बाद आया, जो कि एक साल में 12 महीने होता है, तो 12 में से आप 4 माइनस कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 8, ये हो गया राज का टाइम पीरियड। एट द एंड ऑफ ईयर द टोटल प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड बिटवीन, जो प्रॉफिट का जो रेशियो है, जो ये प्रॉफिट का रेशियो कितना है 9:7, ये रोहित और राज का प्रॉफिट का रेशियो है। तो आपको यहाँ बताना है कि हाउ मच कैपिटल वॉज इन्वेस्टेड बाय राज इन द बिजनेस, बिजनेस में राज के द्वारा कितना इन्वेस्ट किया गया है। तो देखिए यहाँ इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है प्रॉफिट, ये दोनों का क्या होगा रेशियो आपस में क्या होगा ये क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो 72,000 × 12 / x / 8 = 9:7। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मीन्स राज का इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा 84,000 आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इन ए बैरल ऑफ 56 लीटर, कोई एक बैरल है वो कितना उसकी कैपेसिटी है 56 लीटर की, तो इसमें जो मिल्क एंड वाटर है, मिल्क एंड वाटर जो मिल्क है 62% है, 62% मीन्स 62% का फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 5/8, मिल्क कितना है 5 है, टोटल 8 में मिल्क कितना है 5, तो मिल्क कितना है 5, 8 में से मिल्क 5 चला गया तब कितना बचा 3, जो 3 बचा क्या होगा वाटर हो गया,
तो ये 5:3 में है, यहाँ टोटल ये क्या है 8 है। फिर आगे है कि इफ द मिक्सचर रिक्वायर्ड टू मेक, जो 62% है इसको हमको कितना करना है, 85.71% ऑफ मिल्क बढ़ा के करना है। तो हम इसमें मिल्क की और कितना मात्रा हम इसमें ऐड करेंगे, आपको यहाँ हाउ मच मोर अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क नीडेड टू एडेड इसमें आपको बताना है कितना उसमें और हम दूध उसमें ऐड करें। तो देखिए 85.7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 6/7। देखिए ये कैसे आपको याद रहेगा, आपको ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उसी पे आप पे डिपेंड करता है कि आप जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लगाइए, तो उससे क्या होता है कि आपको रटने नहीं पड़ेगा, वो आपको दिमाग में आपको प्रिंट हो जाएंगे, तो आपको इसकी समस्या दूर हो जाएगी। ये बस प्रैक्टिस से ही दूर होने वाली है और इसका कोई शॉर्टकट फार्मूला नहीं है। तो मीन्स तो देखिए अब ये मिल के कितना हो गया, 6 हो गया, टोटल कितना था 7 में 6 मिल्क हो गया, तो बचा कितना 1 क्या हो गया, वाटर, यहाँ हो गया 1 वाटर। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ क्या है, क्वेश्चन में लिखा था कि मिल्क में हम ऐड किए ना, हमने क्या क्या मिल्क में किया है, वाटर में मैंने कुछ नहीं किया है, वाटर में जब हम कुछ नहीं किए हैं तो यहाँ 3 था, यहाँ 1 कैसे हो गया, तो यहाँ जैसे 3 था तो हमको भी यहाँ 3 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ भी 3 बनाने के लिए क्या कीजिए, पूरे में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3। तो देखिए अब दोनों जगह वाटर की क्वांटिटी सेम, मिल्क का जो एडिशन सब्सट्रैक्शन बस मिल्क का होना चाहिए, तो ये पिछला इक्वेशन आप इसे कैंसिल आउट कर दीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, इसका कोई काम नहीं है, ये मीनिंगलेस हो गया। तो देखिए ये कितना बढ़ा, 13 का बढ़ोतरी हो गया, यहाँ चूँकर 8 है, टोटल 8 ही, देखिए 56 लीटर के बराबर गिवेन है, 8 कितना है 56 लीटर के बराबर यहाँ गिवेन है, तो 1 के वैल्यू निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 7 लीटर आ जाएगा। इसी तरह आप 13 में इसका वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 91 लीटर आ जाएगा इसका आंसर। मीन्स ये 13 का आपको 91 लीटर आपको और मिल्क ऐड करना पड़ेगा, तो 85.7% उसमें मिल्क रहेगा, तो यहाँ से इसका ये 91 लीटर आंसर निकल के आ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए ऑन अ सम ऑफ 6500, कोई एक सम है आपका, कोई मूलधन है 6500 रुपया है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद और 2 साल बाद कितना है, 1560 रुपया है। ठीक है, मीन्स तो देखिए आपको 5 साल और 2 साल, तो टोटल ये कितना हो गया, 3 साल हो गया ना, ये 3 साल का, ये कितना है 3 ईयर्स का, आपको 3 ईयर्स का है SI सिंपल इंटरेस्ट, तो आपको 1 साल का अगर SI निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, क्योंकि SI क्या होता है, हर ईयर सेम होता है, ऑन फ्लैट होता है, तो आप 1560 में आप सिंपल आप 3 से डिवीजन कर दीजिएगा, तो यहाँ से 1 का आ जाएगा 1520 रुपया, 1 साल का SI आ गया। तो आपको यहाँ से SI निकाल आ गया, तो आपको यहाँ से रेट निकालना है कि क्या रेट, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसका इतना SI 520 बना। तो आपको पता होगा कि SI बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल P जहाँ और R इंटू T अपॉन 100, यहाँ ये P प्रिंसिपल है, मूलधन है आपका, जो मूल जो पैसा आप लगाएं, R यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, किस रेट क्या चल रहा है, ब्याज है जिसको कहते हैं हिंदी में, और टाइम कितने दिन के लिए, कितने वर्षों के लिए, ये हो गया टाइम पीरियड। तो SI कितना है 520 है, P आपको सम आपको 6500 गिवेन है, इनटू R आपको यहाँ R यहाँ फाइंड आउट करना है, और टाइम जो क्या है 1 साल के, 1 साल में 520 रुपया में टाइम 1 कर दीजिए अपॉन 100, तो यहाँ से आपको R रेट ऑफ इंटरेस्ट का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 8% निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप हमें बिल्कुल कमेंट कर कीजिए।